हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। राधे राधे, जय श्री राम। चलिए आज हम लोग बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। पहले हमने कल का जो डिस्कशन किया था, कल का रिकैप करेंगे, उसके बाद आज का प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे। तो आज वीकली निफ्टी का जो वीकली क्लोजर था, वीकली एक्सपायरी था निफ्टी का, बैंक निफ्टी येस्टरडे हो गया था ऑलरेडी वीकली एक्सपायरी, तो एक पॉजिटिव नोट में क्लोज कर रहे ये दिस वीक के बैंक निफ्टी पॉजिटिव नोट दिखा रहा है। बट ये जो नोट दिखा रहे उसमें भी मेरा उतना अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं रहा है, क्योंकि प्राइस देखिए, प्राइस कभी भी जो लास्ट प्राइस एक्शन स्टार्ट किया था 27 अक्टूबर से कॉन्टिन्यूसली ऊपर में जा रहा है। प्राइस एक कंटिन्यूसली ऊपर जाना, प्राइस सस्टेन नहीं करना, कंसोलिडेटेड नहीं होना, इमीडिएट ऑल टाइम हाई मारना, ये अच्छा बात नहीं है एक्चुअली। प्राइस को थोड़ा टाइम शांत रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है। इसमें जब प्राइस में रिट्रेसमेंट आएगा ना, तब बड़ा बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकते, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे गिरे, उतना जोर से नीचे गिरेगा। ये स्लोक रहता ना वैसे टाइप का ही होता है मार्केट। देखिए कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, कभी भी थोड़ा सा भी रिटेच नहीं कर रहे। वन डे रिटेचमेंट फिर से ऊपर गया, फिर से दो दिन रिटेचमेंट फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से चार पांच दिन रिटेचमेंट होकर फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेच होगा ओके फिर से ऊपर जा रहा है। ऐसा प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाना, इसमें क्या हो रहा है, हमको अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिल रहा, दैट मीन्स आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इसमें आप पोजीशन बनाएंगे तो भी थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट को स्ट्रिक कर दीजिए। इसमें पोजीशन बनाना मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छा रहना पड़ेगा पोजीशन में। आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, हो सकते हैं नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बट इसके लिए इसी में आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो आपको क्वांटिटी साइज कम करना पड़ेगा। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गया तो प्राइस को थोड़ा सस्टेन होना पड़ेगा, एक महीने सस्टेन होना पड़ेगा। प्राइस स्लो डाउन होने के बाद जब ऊपर जाएगा तब आप अच्छा क्वांटिटी ले सकते। अभी प्राइस बहुत ऊपर में है, इसी ऊपर में फेवर में आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहेगा। इसके लिए आप कभी भी ट्रेड ले रहे तो ध्यान में रखिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रिक कर दीजिए, क्वांटिटी साइज कम कर दीजिए। अभी मार्केट इधर में ही रहता है, मार्केट भागता नहीं, अभी आपको कम प्रॉफिट होगा ओके है, लॉस तो ज़्यादा नहीं होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड को ठीक करेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, तो आज का हम प्राइस एक्शन देखते हैं। कल का येस्टरडे क्या डिस्कशन किया था मैंने, येस्टरडे मैंने डिस्कशन किया था जो गैप अप के लिए हमने तीन पॉइंट डिस्कस करते हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग। तो आज क्या हुआ था, आज हुआ था बोल सकते फ्लैट ही ओपन हुआ, हो गए एक ही फास्ट कैंडली नीचे जाके ऊपर चला गया। तो फ्लैट ओपन होने से हम बोला था ऊपर में मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, 48 का ऊपर जाएगा तब हमने देखेंगे, और जब जो कंजर्वेटिव ट्रेडर होगा वो ये जो हमने ट्रेड लाइन मार्क करके रखा था उसका ऊपर जाएगा तो हमने पोजीशन सस्टेनेबल पोजीशन बनाएंगे। जो 48 का ऊपर गया है सस्टेन किया उसी टाइम आप पोजीशन बनाए तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और जो 48 सस्टेन करने के बाद भी आप ट्रेड लेते तो भी अच्छा पॉइंट, आपको अच्छा पॉइंट मिल जाता था। ठीक है, तो अभी प्राइस का एक्शन देखेंगे हम, पहले डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते। देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम क्या देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में हम देखने वाले हैं जो प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस अभी कहाँ पे मूवमेंट किया, देखिए 1 2 3 4 5 5 डेज प्राइस नीचे गिरा था, एक कैंडल दो कैंडल को खा लिया। ठीक है, तो एक अच्छा प्राइस एक्शन बना है। ये प्राइस एक्शन में क्या बोल रहा है, फिर से प्राइस एटलीस्ट ऑल टाइम हाई जोन तक जा सकते हैं। तो हमने पहले ऑल टाइम हाई मार्क कर दिया था, ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई क्या है, ऑल टाइम हाई है 48636 है ऑल टाइम हाई, दिस वन इज द ऑल टाइम हाई जोन, 48636 इज द ऑल टाइम हाई जोन। तो इसको हमने मार्क कर दिया 48636 को। ठीक है, तो और एक जोन मार्क कर देता, दूसरा जोन एक मार्क करेंगे, प्रीवियस ऑल टाइम हाई जोन भी मार्क कर दे रहा हूँ जिसमें प्राइस आके रुक सकते हैं। तो ये जो जोन बनाया था लास्ट टाइम, दिस जोन भी हमने मार्क कर दे रहा हूँ 48219। तो ये जोन में आके भी प्राइस थोड़ा रिटेच कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसी जोन को भी मार्क कर दिया। तो ये कितना जोन है,
48219, ठीक है। तो अब देखिए प्राइस ऊपर में जाके अच्छा खासा एक कैंडल बनाया, अच्छा खासा कैंडल बना के क्लोज दिया, दैट मीन रिटेच करके प्राइस ऊपर जा रहे, तो हमको एक टारगेट मिल सकते हैं 48636 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो हम छोटा टाइम फ्रेम में जाके डिस्कस करेंगे क्या होने वाला है प्राइस कल, क्या होने से हम निक टेट लेंगे। देखिए एक जोन मिल गया हमको, दूसरा टारगेट जोन है 48636। तो मेरा अच्छा खासा रिक्स रिवर्ट कैसे मिल सकता है, अच्छा खासा रिक्स रिवर्ट ऐसे ही मिलेगा जो प्राइस सोचिए गैप अप दे दिया, गैप अप देने के बाद प्राइस थोड़ा रिटेच करने के बाद प्राइस फिर से प्रीवियस हाई जो जोन होगा हमने ऐसे दिखा था आपको। देखिए अभी भी ट्रेड करना है आपको, शाम बैठ के ट्रेड करना है, ट्रेड करने के लिए आपको हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए कैसा होगा, सोचिए प्राइस इधर होगा, ठीक है, इधर ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, होने के बाद फिर से रिटेच करने वाला है प्राइस, ठीक है। रिटेच करके आफ्टर वन आवर्स प्राइस डे हाई को क्रॉस करेगा तब आप ट्रेड ले लीजिए, एक अच्छा खासा रिक्स रिवर्ट वाला आपको ट्रेड मिल जाएगा डे लो, नहीं तो दिस जोन इज योर स्टॉप लॉस जोन, ठीक है। नहीं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें तो 51 स्टॉप लॉस भी अच्छा होगा, कल प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो आप 51 ही लीजिए, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस लीजिए। स्टॉप आप सेल करेंगे तो ये लेवल को आप सेल कर सकते हैं, दिस लेवल आप सेल कर सकते हैं, नहीं तो दिस लेवल इज ऑल्सो गुड लेवल, दिस लेवल इज गुड फॉर कंजर्वेटिव ट्रेडर, और जो थोड़ा रिक्स ट्रेडर है वो ये लेवल को सेल कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छा आपको रिक्स रेट वाला ट्रेड मिल जाएगा ऐसा ब्रेकआउट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये गया गैप अप केस में, ठीक है। दूसरा केस क्या होने वाला है, गैप डाउन केस। गैप डाउन होगा तो भी आपको अच्छा ट्रेंड मिलेगा, क्योंकि गैप डाउन होगा तो एक पैनिक सिनेरियो बन सकता है, ये गैप डाउन जो चाहिए इधर में गैप डाउन दिया वो करके प्राइस नीचे आ सकता है, तो इसमें आपको ट्रेंड मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि गैप डाउन जब भी देगा पैनिक हो जाएगा, जो भी बुलिश लेके व्यू लेके गया था सब लोग स्पॉट करेगा, न्यू पोजीशन बनेगा, एक अच्छा पैनिक सिनेरियो में नीचे आ सकते हैं प्राइस। तो गैप डाउन देगा भी तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब भी रिटेच करके वन आवर्स के बाद ब्रेक डाउन करेगा तभी आप ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छा खासा आपको रिक्स रेट मिल जाएगा। क्यों वन आवर, बिकॉज वन आवर में आपको प्राइस एक्शन थोड़ा बनना चाहिए, प्राइस देखना चाहिए, आफ्टर वन आवर्स प्राइस एक्शन में आपको अच्छा खासा रिक्स रेट वाला ट्रेड मिल जाता है। अभी आप फ्लैट ओपन होगा तो इमीडिएट आप बाई कर सकते हैं, आफ्टर वन आवर सोचिए प्राइस, आफ्टर वन आवर फिर सोचिए डे हाई को क्रॉस कर गया, आफ्टर वन आवर्स, ठीक है, डे हाई को क्रॉस किया तो आप पोजीशन बना सकते हैं, इधर में आपको स्टॉप लॉस रहेगा, इधर में सेल कर सकते हैं, इधर में बाई कर सकते हैं 50 पॉइंट स्टॉप लॉस देके, दिस वन इज अ गुड टारगेट जोन, ठीक है। और गैप डाउन भी फ्लैट ओके, गैप डाउन भी देखा डेल ए स्विंग लो को क्रॉस करेगा तो आप पोजीशन बना सकते हैं, पोजीशन बना के आपको अच्छा खासा वन टाइम टू टाइम मिलेगा, जैसे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नहीं तो आपको सेल करना है तो इसका ऊपर सेल कर दीजिए, 48500 का ऊपर आप सेल कर सकते हैं, कंजर्वेटिव पोजिशनल ट्रेडर होगा तो उसमें सेल कर सकते हैं। और आप इंटरडे लेके कैरी करना चाहते हैं तो इधर में सेल करके इंटरडे कैरी इंटरडे में कर रहे हैं तो इधर में सेल कर सकते हैं विथ रिक्स विथ प्रॉपर हेज करके, और कंजर्वेटिव ट्रेडर होगा तो इधर में आप सेल कर सकते हैं, और नहीं तो और भी कंजर्वेटिव होगा तो इधर में आप सेल कर सकते हैं। ये क्या आज का प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन ऐसा ही है, हमको जो नोट मिला है नोट में हम लोग बोलना चाहते हैं जो एक अच्छा खासा पॉजिटिव नोट में मे भी क्लोज हो सकता है कल मार्केट, और दूसरा कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं बुलिश ट्रेड लेना चाहते हैं तो हल्का क्वांटिटी में ट्रेड लीजिए, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई में है, इसमें वोलेटिलिटी दिखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आप कभी भी ऊपर जा रहे हैं तो नीचे इमीडिएट आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे इमीडिएट आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, प्राइस को एक रेंज बनना पड़ेगा। सबसे अच्छा होगा प्राइस सोचिए एक अच्छा खासा रेंज बना दिया, प्राइस सोचिए एक अच्छा खासा रेंज बना दिया, ऐसे ऐसे सोचिए ऐसे कुछ दिन ऐसे ही चलते ही रहेगा, सोचिए प्राइस ऐसा ऐसा रेंज बन गया प्राइस का, एटलीस्ट वन मंथ टू मंथ रेंज बना दिया, तब जब ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, अच्छा खासा रिक्स वाला हमको लग रहा है ऐसा ही रेंज बनेगा प्राइस इन फ्यूचर। देख लीजिए आप थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करिए, कभी आपको प्रॉफिट कभी भी बन सकते हो, वन डे में आपको प्रॉफिट बन जाता है, बट आपको रिक्स को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, दिस इज द आर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो शेयर मार्केट में आधा आप समझ गए। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और आपके फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।